राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लोग देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जो है इस दिन उठते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी या देव उत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूरी विधि विधान से जो है पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि साल 2020 में देव उठनी एकादशी कब के दिन है, क्या पूजा विधि है और जो है देव उठनी एकादशी पर्व की शुरुआत कैसे हुई और देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन अगर आपने एक ये छोटा सा काम कर लिया तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में पूरी 24 एकादशियाँ जो है होती हैं, लेकिन दोस्तों जब बल मास या अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या जो बढ़कर होती है वह 26 हो जाती है। एकादशी का जो दिन है हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पवित्र दिन जो है माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो है पूजा आराधना की जाती है। एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ है। जो भी जातक इस दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखता है तो उसके ऊपर उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही साल की सबसे बड़ी एकादशी जो है वो देव उठनी एकादशी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जी जो है दैत्य शंखासुर को मारा था। दैत्य और भगवान विष्णु जी के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु जी को बहुत ही थक चुके थे और क्षीर सागर में जाकर सो गए थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे तब देवताओं द्वारा भगवान विष्णु जी का पूजन किया गया। जैसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी का भी विवाह होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जिसमें जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक विष्णु भक्ति के साथ छल किया था। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर पत्थर बना दिया था, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की विनती के बाद उन्हें सही करके सती हो गए थे। उनकी राख से तुलसी का पौधा जन्म हुआ और उसके साथ ही शालिग्राम के विवाह का भी चल शुरू हो गया था। दोस्तों, इस बार की देवउठनी एकादशी जो है शुभ दिन उसका देवउठनी एकादशी साल 2020 में देवउठनी एकादशी 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त को जिस प्रकार हुआ, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन सुबह 2:42 से शुभ समय शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि समाप्ति होगी 26 नवंबर 2020 गुरुवार सुबह 5:10 पर जो है एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी। देव शनि एकादशी से ही सभी जो है शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। जो देव उठनी एकादशी यानी देव उत्थान एकादशी के दिन से सभी शुभ काम, मांगलिक काम, शादी विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। इन 4 महीनों के दौरान ही दिवाली मनाई जाती है। इसमें भगवान विष्णु जी के बिना ही लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को जगाने के बाद सभी देवी देवता विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके दिवाली मनाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पूरे परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी पर धन संपदा और वैभव की भी जो है भक्तों पर वर्षा करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन से कोई भी मंगल कार्य शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन विधिवत पूजा अर्चना की जाए तो पूजा करने से वाले व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो अगर भक्त भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास भी रखता है तो भी उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन विश्राम से जाकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। देव उठनी एकादशी से सभी मंगल कार्य जो है शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसे धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए कार्तिक मास का महीना सबसे उत्तम माना जाता है और इसी महीने में देव उठनी एकादशी के दिन अगर आपने एक ये छोटा सा गाय से जुड़ा हुआ उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है।
आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। तो हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें जो है पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से जो व्यक्ति के सारे पाप परेशानियां दुख जो है वह नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से बहुत ही पुण्य की जो है प्राप्ति होती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास आता है। तो जब आप चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके ऊपर भगवान 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा आपके घर पर प्राप्त होती रहे, उनके आशीर्वाद से आपको हर काम में सफलता मिलती रहे, तो दोस्तों आपको जो है एक गाय की सेवा उसे ही करनी चाहिए। मात्र अगर आप एक गाय को भोग लगाते हैं तो वो भोग जो है दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं को लग जाता है, क्योंकि 33 कहा जाता है ना कि गाय में 33 कोटि देवी देवता जो है वास करते हैं। तो इससे बड़ा दोस्तों पुण्य लाभ हमारे लिए और क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि के देवी देवताओं की सेवा होती है, इसका पुण्य मिलता है। और कहते हैं जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है तो उनकी तो जो है पीठ यही तर जाती है, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ जो है संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन एक ही छोटा सा काम करना है कि आप ये काम दोस्तों सुबह का काम है, आप पूजा आराधना करके स्नान वगैरह करके जब घर की रोटी बनाते हो तो पहली रोटी जो है आपको अग्नि माता को भोग लगा देनी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पहला भोग जो है वो अग्नि माता का ही भोग होता है। अब दोस्तों जो आप दूसरी रोटी बना रहे हो उस रोटी को गाय के नाम से अलग रख देनी है, आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप एकदम फ्री हो जाए। तो दोस्तों उस रोटी को जो है आप जब गाय को खिलाने देने जा रहे हो तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उस रोटी के अंदर डालकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। दोस्तों कहा जाता है जो भी जातक एक ये छोटा सा काम करता है एकादशी के दिन तो उसे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में लौकिक अलौकिक दोनों फलाह की प्राप्ति उसे अवश्य ही होती है। और एकादशी के दिन आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है तो वहाँ जाकर किसी भी गाय को वहाँ से हरी घास लेकर अवश्य खिलाए। इससे भी आप जिस काम से भी चाह रहे हो उस काम में आपको सफलता जो है अवश्य ही मिलने लगेगी। तो दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय आपको एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों लक्ष्मी पूजन भी देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा जरूर की जाती है। याद रखें ऐसा करने पर ही आपकी पूजा का पूर्ण फल और व्रत का पूर्ण लाभ आपको मिल पाएगा। याद रखें ऐसा जो व्यक्ति ये काम करता है माता लक्ष्मी जी की कृपा उस पर अवश्य ही प्राप्त होती है। और दोस्तों पीपल के वृक्ष में दीपक लगाएं। ऐसा जाना जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है, यही वजह है कि देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के पास सुबह गाय के घी का दीपक जलाना और पीपल के जड़ों में पानी देना सबसे शुभ माना जाता है। और इस दिन जो है दोस्तों तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। इस दिन हर सुहागिन महिला को ये विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माँ तुलसी जी को पूजा के दौरान आपको लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं और माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर कच्चे दूध के दूध और जल चढ़ाने से भी माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की कृपा हम पर मिलती है। और दोस्तों वो घर की तमाम प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए एकादशी की शाम को घर के हर कोने में दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों देव दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए सूक्त पाठ जरूर करें। ऐसा करने से आपके सारे आर्थिक संकट दूर होकर आपके हर काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों इन उपायों को अगर आप एकादशी के दिन अपनाते हैं या करते हैं
तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में खत्म होने लगती।